किशनगंज बिहार की राजधानी पटना से 425 किलोमीटर दूर 173 फीट की ऊंचाई पर उत्तर पूर्व में मौजूद है। यह जिला पहले कृष्णकुंज के नाम से जाना जाता था। यह बिहार का अकेला जिला है जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। जिले में करीब 68% मुस्लिम आबादी है और लगभग 31% हिंदू आबादी है। किशनगंज एक ओर से नेपाल और दूसरी ओर से पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ बिहार का एक अहम जिला है। ये जिला पश्चिम में बिहार का अररिया जिला, पूर्व में पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिला और उत्तर में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और नेपाल से घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल की लगभग 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी इसे बांग्लादेश से अलग करती है। दोस्तों, 1990 के दशक से पहले ये जिला पूर्णिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इस इलाके की जनता और राजनेताओं के आग्रह के बाद 14 जनवरी 1990 को किशनगंज को बिहार में अलग जिले का दर्जा दे दिया गया। किशनगंज जिला 1884 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। किशनगंज जिले से महानंदा नदी बहती है जो दक्षिण की तरफ बंगाल के हुगली जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर टूरिस्ट खगरा मेला, नेहरू शांति पार्क, चुरली किला जैसे जगह घूमने आते हैं। यहाँ से पानीघट, गंगटोक, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग जैसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी कुछ ही दूरी पर मौजूद हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किशनगंज जिले की आबादी 16,90,400 है। इस जिले की ज्यादातर आबादी गांव में रहती है, जिसमें पुरुषों की आबादी 8,66,970 है और महिलाओं की आबादी 8,23,430 है। इस जिले में एक वर्ग किलोमीटर में 897 लोग रहते हैं। इस जिले में महिलाओं का लिंगानुपात 1,000 पुरुषों पर 950 महिलाएं हैं और बच्चों का लिंगानुपात 1,000 लड़कों पर 971 लड़कियां हैं। इस जिले की कुल साक्षरता दर 57% है। इस जिले के ज्यादातर लोग कृषि करके अपना जीवन यापन करते हैं। किशनगंज बिहार का एकमात्र जिला है जहां चाय उगाई जाती है। खेती के अलावा प्लाईवुड इंडस्ट्री, टी प्रोसेसिंग, जूट इंडस्ट्री, पोल्ट्री फार्मिंग और सिल्क इंडस्ट्रीज भी इस जिले में देखी जा सकती हैं। भारत की नामी ऑयल कंपनी ONGC का मानना है कि किशनगंज जिले की जमीन के नीचे पेट्रोलियम मौजूद हो सकता है। किशनगंज रेलवे स्टेशन इस जिले का एकमात्र रेलवे स्टेशन है जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंडर आता है। यह जिला रेलवे लाइन से बिहार, बंगाल और देश की राजधानी से जुड़ा है। सड़क मार्ग से भी यह जिला देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़ा है। इस जिले से गुजरने वाला नेशनल हाईवे नंबर 31 उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से जोड़ता है। कछुदाह झील किशनगंज से 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस प्राकृतिक झील पर सैकड़ों की संख्या में अप्रवासी पक्षी प्रवास करने आते हैं। नववर्ष के मौके पर स्थानीय पर्यटकों की यहाँ भारी भीड़ रहती है। इसकी सुंदरता और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की पर्यटन विभाग ने योजनाबद्ध तरीके से इसका निर्माण कार्य आरंभ कर दिया है। अगला है चुरली स्टेट। अंग्रेजी हुकूमत के समय किशनगंज की शान रहे सियासत का नाम लेने वाला भी अब कोई नहीं रहा। कुंदन लाल सिंह इस रियासत के जमींदार हुआ करते थे। उनकी जमींदारी बंगाल से लेकर नेपाल तक फैली हुई थी। उनकी हवेली को देखने दूर दूर से लोग आया करते थे, लेकिन आज ये हवेली खंडहर में तब्दील हो चुकी है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर अपने शहर के बारे में वीडियो चाहते हैं तो एक्सप्लोर वायरस को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर वायरस।